आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर 3 बिल लाएगी सरकार, इनमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार जो है संसद में बिल लेकर आने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 बिल जो है वो लेकर आएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। हालांकि अभी तय नहीं है कि ये बिल सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाएगी या फिर बजट में। इसको लेकर जल्दी जो है सरकार स्तर पर फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। बता दें आपको कि मोदी कैबिनेट ने जो है एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति की रिपोर्ट में 2 चरण में चुनाव की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने की सिफारिश समिति ने की है। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। बता दें आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है 18,726 पन्नों की रिपोर्ट जो है सौंपी है, जिसमें ये प्रस्ताव दिया गया था। वही सभी राज्यों का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक बढ़ाया जाए। बहुमत नहीं मिलता है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। वही पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। 100 दिनों के भीतर दूसरा फेज होगा, जिसमें शहरी और ग्रामीण निकाय चुनाव कराए जाएंगे। वही सभी चुनावों के लिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक रोल जो है वो तैयार किया जाएगा। तो ये कुछ सिफारिशों में बात यहाँ पर की गई है। वही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियों क्या है, तो बता दें आपको कि चुनौतियों की बात करें तो मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूर्व हुए, तो सरकार का तूफानी स्टैंडर्ड आ गया। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है सरकार की कोशिश अपनी जगह है और विपक्ष के सवाल अपनी जगह पर है। इनमें कोई शक नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसा कोई यहां पर चुनौती नहीं जिसे देश के फायदे को मात नहीं दिया जा सके। तो ये यहां पर कुछ जानकारी जो है वो सामने आई है। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात को दी है मंजूरी। सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली के किसानों को भी मिली है बड़ी राहत। केंद्र की मोदी सरकार ने गैर बासमती चावलों के निर्यात को खोलने और न्यूनतम निर्यात मूल्य के निर्धारण को मंजूरी दे दी है। वह गैर बासमती चावल पर $490 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया है। वह पिराबल्ड यानी परबल्ड और ब्राउन चावल पर जो है 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। वह चावल उत्पादक किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में सरकार का इसे जो है बड़ा कदम बताया जा रहा है। किसान अब न्यूनतम निर्धारण मूल्य से अधिक कीमत पर ही जो है अपनी उपज का निर्यात जो है वो कर पाएंगे। वे केंद्रीय मंत्री जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बताया कि खाद्य तेलों के आयात शुल्क को भी बढ़ाकर 20% किया गया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% कर दिया गया है। रिफाइंड तेल पर मूल शुल्क बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है, यानी 32.5% से कर दिया गया है। इस निर्णय से सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली उत्पादक किसानों को आर्थिक लाभ होगा। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। इस निर्णय से प्याज उत्पादक किसानों को ठीक दाम जो है मिलेंगे। वही बासमती चावल पर भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे बासमती चावल के उत्पादक किसानों को निर्यात करके अधिक मुनाफा जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कुछ बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। बाद में कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली खबर आईपीएल 2025 को लेकर बड़ी खबर देखिए। विदेशी खिलाड़ी अब नहीं दे पाएंगे फ्रेंचाइजों को धोखा। बीसीसीआई के एक नियम ने तोड़ दी है तिजोरी भरने के सपने। बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। शनिवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कई अहम और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इनमें एक फैसले ने विदेशी खिलाड़ियों को उनकी मर्जी यानी मनमर्जी करने पर रोक दिया है। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 से 2027 सीजन के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इसमें बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला किया। दरअसल बीसीसीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी नीलामी में खरीदा जाता है तो फिर अपना नाम वापस लेता है तो उसे जो है उस पर 2 साल का बैन लगाया जा सकता है। कई बार विदेशी खिलाड़ी नीलामी में बिकने के बाद सीजन की शुरुआत से पहले जो है नाम वापस ले लेते हैं। बीसीसीआई इसे बचाना चाहता है ताकि फ्रेंचाइज जो है बीसीसीआई की उनको नुकसान ना हो। तो इसको लेकर जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर कोई खिलाड़ी नाम वापस लेता है तो 2 साल तक का आईपीएल पर उसके ऊपर बैन लग जाएगा। 2 साल तक जो है यहाँ पर नाम जो है वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल 2025 से पहले होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए रिटेंशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है।
इस बार आईपीएल में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 28 सितंबर को आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें राइट टू मैच कार्ड भी का ऑप्शन वापसी हो गई है, लेकिन राइट टू मैच कार्ड को इस्तेमाल करने के नियमों में कुछ बदलाव किया गया, जिससे खिलाड़ियों को बड़ा फायदा होने वाला। दरअसल आईपीएल 2025 से पहले सभी टीमों को ज्यादा से ज्यादा 6 प्लेयर रिटर्न वो टीम कर सकती है, जिसमें राइट टू कार्ड में शामिल वो रहेंगे। वही फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा 5 कैप्ड खिलाड़ियों यानी भारतीय या विदेशी खिलाड़ियों को, ज्यादा से ज्यादा 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटर्न कर सकती है। अगर टीमें ऑक्शन से पहले 6 खिलाड़ियों को रिटर्न करती है तो उसके पास ऑक्शन के आरटीएम कार्ड जो है उनके पास नहीं होगा। वही फ्रेंचाइजी अगर 5 खिलाड़ियों को रिटर्न करती है तो उसके पास एक राइट टू मैच कार्ड होगा, जिससे वह ऑक्शन में आने पर अपने मौजूदा खिलाड़ियों में से किसी एक को वापस अपना हिस्सा बना सकते हैं। यानी फ्रेंचाइजी जितने कम खिलाड़ी रिटर्न करेंगी उसके पास जितने ही राइट टू मैच के कार्ड बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्शन में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ आईपीएल 2024 को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे एक बार लाइक जरूर करें, इस वीडियो को चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी तुरंत दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना इस तरह की मिलती रहें।